दोस्तों, पत्नी को नींद से सुलाकर पति कर रहा था ऐसी हरकत, देख के होश उड़ जाएंगे आपके भी। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, किसी भी पति पत्नी के बीच रिश्ता केवल भरोसे का होता है। इसी के बल पर पूरा जीवन दोनों एक दूसरे के साथ बिताते हैं। लेकिन जब ये टूटने लगे या फिर दरार आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला। रिश्ता क्या मोड़ लेगा ये कोई नहीं कह सकता है। ये मामला जबलपुर के कंजड़ मोहल्ले का है। ये घटना थाना के अंतर्गत कंजड़ मोहल्ले के युवक ने पत्नी पर संदेह करते हुए उसे धोखे से नींद की 40 गोलियां खिलाकर जान लेने की कोशिश की। पत्नी को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत में सुधार होने पर पत्नी के बयान पर पुलिस ने पति के खिलाफ जान लेने का जुर्म दर्ज किया। पुलिस के अनुसार कंजड़ मोहल्ला निवासी हीना जाट को नींद की गोली खा लेने के चलते बेहोशी की हालत में परिजन ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां कई दिन तक हीना बेहोश रही। दोस्तों, परिजनों ने बताया कि हीना पर पति रंजीत जाट संदेह करता है। एक दिन उसने विवाद करते हुए पत्नी हीना को नींद की 40 गोलियां खिलाकर मारने का प्रयास किया। हीना ने भी हालत में सुधार के बाद पुलिस को दिए बयान में पति की करतूत के बारे में बताया। पुलिस ने आरोपी पति रंजीत जाट के खिलाफ दफा 308 दर्ज कर जांच में लिया है और सरकार ने इनके प्रति ठोस कार्यवाही करने का आदेश दिया। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।